in Uttarakhand, I think waste management has been rather ignored for a long time. I belong to Dehradun. I have seen Dehradun over a long period of time. Those days we had very little population. There was hardly any pollution. So waste management was not much of an issue. But today, with the heavy polluted condition, the city definitely needs to ensure that they manage their garbage and waste very well, very efficiently. बताना चाहूँगा कि देहरादून शहर में लगभग प्रतिदिन 350 मेट्रिक टन कचरा, जिसको हम ठोस कचरा कहते हैं, उत्पन्न होता है और ये बहुत बड़ी एक विकट समस्या बन चुका है हमारे अपने शहर के लिए। सारे लोग जितने भी थे वो वेस्ट के बारे में जानते ही नहीं थे, या तो वो जला दिया करते थे या फिर वो कहीं फेंक दिया करते थे। पहले यही होता था वेस्ट बरिया से, पहले कचरा कहीं पूरा प्लॉट में पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा पड़ा है, गंदगी इधर उधर रहती थी। और हमारी रेलवे ट्रैक होता था, बहुत से लोग रेलवे ट्रैक की ओर फेंकते थे। कचरा प्रबंधन तभी हो पाएगा जब आप उसको अपने ही स्रोत पर विभाजित कर पाएंगे। जो कचरे के पहाड़ लगातार बनते जा रहे हैं, अगर उन पहाड़ों को हमें कम करना है तो हमें कचरा प्रबंधन अपनाना होगा, कचरे को विभाजित करना होगा, कचरे को अलग करना होगा और अलग करके ही उसको सही जगह पहुंचाना होगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बेस्ट गाड़ी चलाता हूँ। हम एक दिन में 15 से 20 गली में कचरा उठाते हैं। हमें बेस्ट वोल्टेज में गाड़ी चलाने से हमारा पैसा भी अच्छा मिलता है और घर भी अच्छा चलता है और यहाँ काम करने में बेस्ट वोल्टेज अच्छा लगता है हमारे को। जिस लेन में भी हम जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग कूड़े को अलग अलग करके देते हैं। हमारे काम करने से पहले यहाँ पर लोग कूड़े को फेंकते थे या जलाते थे, लेकिन हमारे काम करने के बाद यहाँ पर लोगों ने कूड़े को अलग करके गाड़ी में देना शुरू करा है। जैसे जैसे हम अवेयरनेस वर्कशॉप लोगों ने अटेंड करी, काफ़ी लोगों ने आना शुरू करा, तो लोगों को अपने कूड़े से कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ, लोगों को समझना स्टार्ट हुआ कि हाँ एक कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या ड्राई वेस्ट होता है, क्या वेट वेस्ट होता है। तो ये लोग का जो थिंकिंग आया ये पूरे एरिया में एक तरह से फैला है और लोगों ने इसको समझा है और वेस्ट को मैनेज करना स्टार्ट किया है। जो वेस्ट वॉरियर संस्था है इसने हमारी कॉलोनी को बहुत जागरूक किया है। जो लोग अभी तक कूड़े को सिर्फ कूड़ा समझते थे, अब उनको कूड़े और कूड़ेदान करने का जो अंतर सबसे बड़ा समझ में आया। सबसे बड़ी बात यह है, जो गीला कूड़ा उसका क्या महत्व है और सूखे कचरे का क्या महत्व है, वो हमने हमारी कॉलोनी में जाना है और ये इस वेस्ट वॉरियर संस्था का बहुत अच्छा योगदान उसमें रहा है। सूखा कचरा केवल और केवल मटेरियल रिकवरी सेंटर पर पहुंचना चाहिए और जितना भी गीला कचरा है उससे खाद बननी चाहिए। मैं बसीम यहाँ प्लास्टिक का काम करता हूँ सर। छटा हुआ माल अगर आता है हमारे पास तो हमें ज़्यादा आसानी होगी इससे। पहले तो मिक्स देते थे, अब उतार कर हम बताते हैं सूखा अलग गिल्ला अलग। मुझे आप सभी से ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे हर्रावाला के 30 से 40% घर अपना कचरा घर पर ही अलग करके सूखा और गीला अलग अलग बैग्स में डाल के अलग अलग डस्टबिन में डाल के हमारी गाड़ी को देते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें और चेंज के भागीदार बने। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, अगर आप घर पे हैं तो आप अपने घर पर ही अपने कचरे को 2 डस्टबिन में अलग अलग देना शुरू करें। अगर इस कचरा प्रबंधन की समस्या को आप खत्म करना चाहते हैं तो इस दान के महत्व को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सूखा कचरा अलग होगा, गीला कचरा अलग होगा, तभी जो समस्या है ये विकट समस्या खत्म हो पाएगी। वेस्ट वॉरियर की वजह से और नगर निगम की वजह से गाड़ियाँ लग गई हैं, इससे बहुत सुधार हुआ है, सफाई की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है। हमारे जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे जनता उनकी मदद करे, इससे हमको सहयोग मिलता है, हमको अपने कार्यक्रमों को ठीक रखने में आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती है और वेस्ट वॉरियर का इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। What pleases me the most is to see their spirit, their thought process in the field of waste management is very, very progressive and very constructive. That is something which I think we would love to use
in the times to come.